हर हर महादेव, महादेव सबके साथ, जय माता तारा। हम लोग अपना जर्नी चालू किए, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, निकल के हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे आगे। फिर रोड भी बढ़िया है, अभी रोड में ग्रीनरी देखने लायक है, चारों साइड में जो है टोटल टोटल जो है पाइन का जो है इसका टोटल जंगल रखा हुआ है। नेचुरल ब्यूटी इज़ वेरी गुड, उसमें बोलने लायक कुछ है नहीं, वेरी गुड, नेचर इज़ गुड। और धूप भी निकला हुआ है तो ठंडा भी थोड़ा सा कम लग रहा है। तो एक्चुअली वही आगे जो रोड है बहुत कर्व है, मतलब हर 20-30 गज के ऊपर एक 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 टर्निंग है, इसके लिए गाड़ी को थोड़ा सा सावधानी से जो है चलाना पड़ता है, चलाना पड़ रहा है हमको। लेकिन एक्चुअली इशू ये है कि जो मैंने रोड का कंडीशन जो है दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज़ देयर कि हम लोगों को टाइम पे पहुंचना भी होगा, क्योंकि दोपहर का लंच भी करना होगा, इसलिए थोड़ा सा तेज़, हम थोड़ा सा हल्का सा तेज़ भी चला रहे हैं। बट द रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, एंड उसमें क्या है कि जो है नेचर व्यू भी देखने लायक है, उसको भी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। देखिए फिर एक टर्न आ गया, ये टर्न में क्या होता है कि हॉर्न बजाना पड़ता है, और बहुत देखिए ये एक टर्न गया फिर एक दूसरा टर्न आ गया, ये टर्न इतना टर्न आता है, हर मोड़ पर एक टर्न, देखिए एक और टर्न आ गया। ये टर्न होते होते क्या होता है कि दूसरा अगला सिरे से जो गाड़ी आती है उसमें वो देखिए ये बहुत स्पीड में है, तो हम लोग लोकल नहीं है इसलिए हम लोगों को जो है उसको गाड़ी को थोड़ा सा ठहर के धीरे से चलाना पड़ता है। तो दैट वी आर डूइंग, सो नो इशू, आगे देखते हैं कैसे रोड होता है। बट द एंड ऑफ द डे द नेचर इज़ वेरी गुड एंड वी आर फीलिंग वेरी गुड, दैट इज़ द थिंग इज़ देयर। देखिए फिर एक कर्व आ गया, মতো আসলে পাহাড়ে এরকমই হয় যে আমরা ভাবে সোজা সমতলে আমরা যেরকম ভাবে চালাই গাড়িটা, কিন্তু পাহাড়ে তো সেরকম হয় না, তো পাহাড়ে টার্ন একটা টার্নের পর আরেকটা টার্ন, আরেকটা টার্নের পর আরেকটা টার্ন, এরকমই হয় আর কি। আবার জ্যাম এসে গেছে, তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, বেরিয়ে গিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি ঘুম পর্যন্ত যাব, এইভাবে রোডের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা ঘুম ক্রস করে গেলাম, ঘুম ক্রস করে জামটা ক্রস করে আমরা টুয়ার্ডস গ্যাংটকের যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা আমরা ধরেছি। এই রাস্তা থেকে আমাদের 3 মাইল পর্যন্ত যেতে হবে, 3 মাইল থেকে 6 মাইল। তো এই 6 মাইলের আগে একটা বাঁ দিকে রাস্তা উঠেছে, সেই রাস্তা বরাবর আমাদের বাঁ দিকে উঠে যেতে হবে। শুনেছি যে ওই 6 মাইলের রাস্তাটা যেটা আছে সেটা খুব খাড়াই, তো সেইভাবে অ্যাকর্ডিংলি আমরা চলছি, জানি না যে আলটিমেটলি কী হবে, কীভাবে রাস্তাটা পাবো। তবে রাস্তাটা কন্ডিশন খুব ভালো, মাঝে মাঝে জল পড়ে আছে, কিন্তু দ্যাট ইজ অল গুড। আপলোক এনজয় কিজিয়ে আর দেখিয়ে উসমে ক্যা রোড কন্ডিশন কেসা হ্যা, দ্যাট ইজ গুড ওয়ান। আপলোক দেখিয়ে নেচার বিউটি ভি আপকো দিখা রহে হ্যায়, মতলব ক্যা বোলে উপর প্রভু জি নে পুরা ঢালকে দিয়া হুয়া হ্যা, জিতনা ভি বোলে উতনা হি কম হ্যায়। দেখিয়ে সামনে যো হ্যায় মাউন্টেন যো হ্যায় ও দিখাই পড়, কাঞ্চনজঙ্ঘা কা রেঞ্জ দিখাই পড় রহা হ্যায় আপকো, ডিফারেন্ট শেড সে কাঞ্চনজঙ্ঘা কা রেঞ্জ দিখাই পড়েগা। লেকিন অ্যাকচুয়ালি ইয়ে হ্যায় কি हम लोग के पास उतना कलकत्ता वाले को भी या किसी भी कमर्शियल पब्लिक के पास से तो समय हम लोग के पास नहीं होता कि हम लोग फील करें। सो एंड ऑफ द डे वी आर मूविंग ऑन, आगे जा रहे हैं, आप लोग फील कीजिए। अब देखिए ये फिर टर्निंग आ गया, मतलब ये टर्निंग लेके ही पहाड़ का रोड है, लेकिन यहाँ पे टर्निंग ज़्यादा है, आगे जो जितना भी हम लोग जर्नी किए उस पर टर्निंग इतना ज़्यादा नहीं था। देखिए फिर एक टर्निंग आ गया, तो इसको छोड़ते हैं, मैटर को छोड़ते हैं, क्योंकि टर्निंग तो लाइफ का टर्निंग है, अगर ये टर्निंग पॉइंट से हम लोगों का टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाता तो वेरी गुड, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे भी हम लोग चल पाएंगे, विश अस ऑल द बेस्ट। तो ये जो है हम लोग जा रहे हैं अभी आगे, तो रोड इज़ ऑल्सो गुड कंडीशन, नेचर इज़ ऑल्सो गुड, आज धूप भी निकला हुआ है, हल्का सा धूप भी निकला हुआ है, इसे टेम्परेचर कभी कभार ठंडा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, उसको ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए एक तो हल्का सा फॉल्स है, हल्का सा मतलब क्या बोले आपको, छोटा वाला फॉल्स है, पानी ऊपर से नीचे धारा है, वो भी इंजॉयबल है, लेकिन सामने से अगर आप लोग देखते तो और बढ़िया लगता, इसलिए हम लोग ठहर के आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन आई थिंक आप लोग उसको ज़्यादा फील नहीं कर पाइएगा, नो इशू। आप लोग रास्ता एक तो स्लिपरी आछे, माझे माझे जल पड़े आछे, जानी ना किभाबे जलटा एसेछे, বৃষ্টি হয়নি, বাট এই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটা বেশ ভাঙাচোরা আছে, তো একটু সাবধানে চালাতে হচ্ছে গাড়িটা, আর বাঁ পাশেই একদম পুরো খাদ, তো সেই জন্য একটু ভয় ভয়ও লাগছে, দেখা যাক কীভাবে হয়।
सारा रास्ता एक जल जल मैं एक स्लिपारी लगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से जो पानी गिरता है या ये जो वाटर रोड क्रॉसिंग होता है ना, ये पहाड़ में नेचुरल है कि पहाड़ के बीच रोड के बीच से पहाड़ का जो नाला का पानी है या जो फाउंटेन का पानी है वो रोड के ऊपर से बह जाती है। तो व्हाट आई विल डू कि उसके ऊपर से ही सबको जाना आना पड़ता है, तो चक्के में जो पानी लगता है वही पानी जाके ना আসলে যেহেতু চারপাশে মানে ডান পাশ লেফট সাইড রাইট সাইডে খাতটা থাকে তো সেজন্য একটু আর কি ভয় লাগে মানে 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 আর কি বলবো আর মানে গাড়িটা চালাতে যতটা আরাম লাগে মানে যতটা যেভাবে স্পিডে যাক বা যেভাবেই হোক রাস্তাটাও ভালো যেভাবেই হোক ইসমে বলা যাচ্ছে কি উপর वाला अगर साथ में है तो डरने की क्या बात है फिर भी कौन ताओ আর কি একটু কনসাস থাকাটা উচিত তাই না এনজয় দা লাইফ সো हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वी आर मेकिंग द डिफरेंस हम लोग निकले हैं आप लोग का आशीर्वाद लेके ऊपर वाले तारा मां का और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके निकले हुए हैं अभी देखते हैं आगे जैसे होगा वैसे हम लोग बोलते जाएंगे अभी रोड देखिए जब नई रास्ता যেটা দেখছি খুবই ভালো এখানে কোনো জল ফলের সিন নেই তো রাস্তাটা খুবই ভালো খুব মসৃণ বাইক মানে যে বাইক চালাচ্ছে তারও খুব ভালো লাগছে বাইকটা চালাচ্ছে আর কি সে বাইক চালাতে তারও খুব ভালো লাগছে এবং স্পিডটাও বেশ ভালোই আছে দেখছি ঠিক আছে আপ লোক রোড এনজয় কিজিয়ে হাম লোক অবি হ্যাঁ স্টে টিউন यहीं से हम लोगों को बाएं तरफ जाना है ये बहुत चढ़ाई रोड है तो यहाँ से फिर जाके हम लोगों को आगे चलना है तो दवाई पानी में इधर से ही जाना पड़ता है रोड का कंडीशन ठीक नहीं है फिर यहाँ से बाएं हमको होना है यहाँ ये प्लेग्राउंड है अभी यहाँ पे मैच चल रहा है डेली एक बजे से चार बजे का अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर यहाँ से हम लोग चल दिए आगे तो नीचे एक बंदे के साथ हम लोग का भेंट हुआ था वो बोला कि रोड का कंडीशन ठीक नहीं है सो हम लोग आगे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है फिर आपको बताते हैं ये देखिए रोड पूरा टूटा फूटा है हम लोग सीधा निकलेंगे फिर यहाँ पे रोड टूटा फूटा में यहाँ पे मोटा मोटी ठीक रोड है हम लोग तो नेचर ब्यूटी को देख रहे हैं जो भगवान ने दिया हुआ है उसी को इन्जॉय कर रहे हैं आगे जाके एक मोड़ मिलेगा वहाँ से फिर ये देखिए ये पूरा ढाल है रोड का पूरा ढाल है देखिए नीचे का बाएं का जो रास्ता गया हुआ वो भी देख पा रहे हैं टोटल ऐसे ही कल हम लोग इसको चढ़ाई करना है उतर तो गए लेकिन चढ़ेंगे कैसे वही हम सोच रहे हैं ये देखिए कितना चढ़ाई है कितना देखिए कितना डाउन स्टेयर में है कितना देखिए हर मोड़ पर गया हुआ कि रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है तो सावधानी के साथ जाना पड़ रहा है इसको तो सो वी आर डूइंग दैट चलिए आगे देखते हैं लगता तो है कि पूरा ये रोड जो है खड़ा भी होगा
यहाँ पे तो कन्फ्यूजन है, बाएं जाए कि दाएं जाए। तो बाएं तरफ एक बंदे से पूछा तो वो बोला कि सीधा जाने के लिए बोला। तो हम लोग उसको पूछ रहे हैं कि कहाँ पे जाना है, अगला किसी को पता नहीं है। एक्चुअली कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये मालिक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी का पार्किंग करा रहे हैं। तो लेट्स सी, जगह बहुत बढ़िया है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए आप बने रहिए हम लोगों के साथ और ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते जाइए। डू सब्सक्राइब।